किचन बनाया मम्मी के ही साइज का, ड्रम लाए मम्मी के ही साइज का। कल या परसों में ये पेड़ चले जाएंगे, जैसे पुराने पेड़ गए थे दीदी के वहाँ वैसे ही, क्योंकि ये दीवार यहाँ से पूरी टूट गई है और ये देख सकते फट जाएगी। ये होता है डॉटर्स लव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। तो मैं हो चुकी हूँ स्कूल की रेडी। आज मैंने पहनी है साड़ी, देख सकते हैं आप। साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि आज है स्कूल में पीटीएम और अभी हो चुका है टाइम कुछ 7 o'clock और अब मैं निकलती हूँ स्कूल को। स्कूल से आके दिखाती हूँ आपको कि आज का वर्क क्या क्या चल रहा है घर पे। तो अभी बच्चे उठ गए हैं, आज है सैटरडे तो इनकी है छुट्टी क्योंकि एवरी सैटरडे इनका हॉलीडे रहता है। तो अभी क्या पता नहीं आज घर पे क्या क्या करने वाली है। पढ़ाई करना, टीवी मत देखना, अम्मा को परेशान नहीं करना, ओके? चढ़ा रही है, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रही है। तो गाइज बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और जो मेरे ब्लॉग में अभी नए हैं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता लगे कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या चलता है और मेरे डेली ब्लॉग्स कैसे आते हैं। कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा। गाइज मिलती हूँ शाम को स्कूल से आने के बाद। या कितने संघर्ष कर रहे हैं, ऊपर चढ़ के लगे हैं ऊपर चढ़ के पेंटिंग करने में। अभी जो है विनोद वर्मा जो हैं पुताई का काम कर रहे हैं और सुनील शर्मा जो हैं छत पर पुताई का काम कर रहे हैं। दोनों का विचार दीपावली में 2 दिन पहले घर पहुंचने का है। कहाँ है भैया आपका घर? सुनील शर्मा हैं, पीलीभीत गांव एरिया में है। गाइज वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हमारा क्या क्या काम चल रहा है। इस रूम में हो चुकी है हमारी, जो मंदिर का स्टोर रूम था इधर हो चुकी है। यहाँ हम अपने गेहूँ रखते हैं, ये देख सकते हैं। तो इधर हो चुका है कलर और मंदिर में तो आपने देख ही लिया था। बाकी आज हमारी घर की बॉर्डर भी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ ग्रिल में कर रहे हैं भैया कलर, ग्रिल वाली बॉर्डर में। और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कर रहे हैं भैया ग्रिल में कलर। बाकी ये हो चुका है हमारा ऊपर और सामान ऐसे बिखरा पड़ा है स्टोर रूम का। हमारे इष्ट देवता के नाम की टाइल्स लग रही है हमारे गेट पे। देख सकते हैं आप हमारे इष्ट देवता के नाम की टाइल्स लग चुकी है। श्री नहीं दिख रहा इधर से, श्री 1008 नौलिंग भजन देवाय नमः, ये जो हमारे इष्ट देव हैं उनका नाम है। तो फाइनली हमारे इष्ट देवता के नाम की और कलश वाली टाइल लग चुकी है हमारे गेट के जस्ट ऊपर, ये देख सकते हैं। तो गाइस अभी आपने देखा कि हमारी इष्ट देवता के नाम की टाइल्स लग चुकी है। एक टाइल यहाँ पे भी लगनी है, तोड़ गई थी, लगानी है। और अभी मम्मी लगा रही है झाड़ू। मम्मी का स्टोर रूम है ये स्पेशली, मम्मी के गेहूँ का स्टोर रूम, हमारा नहीं है स्टोर रूम, ये मम्मी का ही है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी का। पर मम्मी आप देखो सबसे पहले आ गई, वरना मैं पहले आ जाती थी झाड़ू लगाना है, मम्मी पहले आ गई। तो अब करते हैं यहाँ पे सामान सेट, जो अंदर सामान बिखरा पड़ा है। और मेरी छोना भी उठ गई है छो के, मेरी लाडो भी उठ गई है, दोनों उठ गए हैं छो के, देख सकते हैं आप। तो अब अभी हमने मंदिर में ना पर्दा भी लगाया तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा जो पर्दे लगाने वाला यहाँ पे हमने वो लगाया था वो टूट गया है, तो वो लेके आना है। तो उसके बाद कर्टेंस तो हमने धो दिए हैं, फिर लगाऊंगी। तो अभी करते हैं जो सामान छत में बिखरा पड़ा है ये सब सारा, इसको मम्मी से कि ये ड्रम हम यहाँ पे लगा देते हैं करके। पापा कह रहे हैं ये मम्मी का ही है, बस मैं कह रही हूँ हाँ मम्मी का ही स्टोर रूम है ये देख, मैं लाया तो इसी के हाइट के साथ लाया। वही तो देखो, तो मम्मी कितना प्यार, इसको ड्रम
किचन बनाया मम्मी के ही साइज का, ड्रम लाए मम्मी के ही साइज का, इसको झोंकते झोंकते मेरी सारी अलमारी थक गया, तो ऊंचा मिलने वाला था, मैंने दिख नहीं पाया। कौन आया नीचे? हाँ देखो तो, दे जा रही हूँ मैं नीचे, कोई आगे जा रही हूँ, आ गई उसमें। गाइज आज हो रहा है हमारा यहाँ पे पेंट, देख सकते हैं बाहर के हिस्से में, और ये हमारे पेड़ बगैर पानी डाले देखिए इतने दिनों से कैसे सूख गए हैं, और ये पेड़ भी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कल या परसों में ये पेड़ चले जाएंगे, जैसे पुराने पेड़ गए थे दीदी के वहाँ वैसे ही, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से हमारी हो गई है दीवार पूरी ख़राब, ये देख सकते हैं आप। तो पापा बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे इनको रखने के लिए, इतना बढ़िया हमारा मनी प्लांट हो गया था, पर आजकल जब से काम लगा है तब से ये सब सूख गया पता नहीं कैसे। तो अभी मैंने ऊपर से गिलोय की बेल भी नीचे फेंक दी है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपने गिलोय उठा ली थी, गिलोय अच्छा कट टूट गई थी, हाँ मैंने ही काटी थी वो। तो ये देखिए ये गिलोय का बेल पूरी ऊपर चली गई थी जो मैंने ऊपर से तोड़ दी, बुरा भी लग रहा है इनके जाने का अब, बट बस ये दो तो यहीं, इन दोनों का देखिए क्या चल रहा है, ये सर में लगेगी रख दे बिस्तर में। और यहाँ देखिए मम्मी अपना स्टोर रूम साफ करके आराम कर रही है, यहाँ पे स्टोर रूम साफ करके थकाई लग गई, अभी नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर नहीं बेटा मैं काम करने क्या, देखिए इतना बड़ा हो गया था, और इसने हमारी पूरी दीवार थोड़ा खराब कर दी है, तो इसमें टाइल्स लगनी है, तो पापा बोल रहे इसको काट दो, तो मनी प्लांट को काटते हैं, देख सकते हैं आप मनी प्लांट को काट देते हैं पूरा यहाँ से। देखिए इतना सारा मनी प्लांट हो गया था हमारा, हमने काट दिया, ये काटा इसलिए क्योंकि इसने देखिए दीवार कैसी कर दी थी पूरी, ये दीवार यहाँ से पूरी टूट गई है, और ये देख सकते हैं पूरा ऐसी जड़ें इसकी फैल गई थी, ये ऐसे निकालनी पड़ रही हैं जड़ें, हम ऐसी इसने दीवार में पूरी जड़ ले ली थी, तो इस वजह से हमें मनी प्लांट हटाना पड़ा यहाँ से, मतलब काटना पड़ा, क्योंकि इसमें टाइल्स भी लगेंगी और वैसे भी ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था और नीचे तक बढ़ गया था पूरा, तो इसलिए हमने ये मनी प्लांट कर दिया है छोटा, और सारा मनी प्लांट काट के रख दिया यहाँ पे, इसको फेंकेंगे नीचे कट्टे में, ये इतना सारा सब गई, मनी गई सारी, मनी गई, अब मनी नहीं आने वाली है, मनी इतनी रह गई, अब सारे गई, सब पापा की वजह से हुआ, सब पापा ने काटा, मैं तो मम्मी मम्मी से बोलूंगी पापा ने काटा, मैंने काटा है ये, कारण इसमें टाइल लग रहे हैं ऐसे, नहीं वैसे भी वो ना पूरा वो खराब कर दी उसने दीवार, फिर और दीवार जल डाल दी उतना सब सीमेंट निकल गया, सब निकल गया हाँ, और अब वैसे सही लग रहा है, वैसे काटते रहेंगे उसको, बड़ा होगा तो काटते रहेंगे, वैसे भी सही लग रहा है वो, और लौटाओगे तो इधर को लौटाना या उधर, ना ना अब उतना ही रहने देंगे, काटते रहेंगे। ये देखिए गाइस इतना हमारे पास गमलों के स्टैंड भी हैं, ये पापा ने पहले बनवा रखे थे सन 2000 की के टाइम पे या 2006 कुछ ऐसी टाइम पे, तब से हमारे ऊपर वाले छत पे रखे हुए थे, क्योंकि ये पापा ने बाहर की वजह से इनको निकाल दिया, और ये हमारे ट्यूशन रूम का जो मटेरियल है दरवाजे का, देखते हैं इसको कहीं यूज करेंगे, गमला डालने वाला ये अब इसमें इनको बांध के गमले रखते थे, हाँ मैं पुरानी फोटोज में था वो, हाँ ये ऐसे करके, लेकिन अब ये भी कामयाब नहीं, हाँ बाहर हो जा रहा ग्रिल में, इतने सारे बना दिए सब वेस्टेज, आने लग गए हैं टाइल्स पाड़ बांध के, इस साइड पूरी लग चुकी है, अब कल ये साइड पूरी हो जाएगी, मे भी देख सकते हैं आप यहाँ तक की लगनी है, और इस साइड हमने कलर कर दिया, बस इस साइड लगनी है और आगे की साइड हमारा कलर हो रहा है, तो शायद कल तक हो जाएगा पूरा काम फिनिश, और कितना रिस्की है देखिए, अगर पहाड़ थोड़ा सा भी हिली तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसकी हाइट में लगा रहे हैं भैया लोग,
भैया लोगों ने चारपाई पहुंचा दी ऊपर से नीचे सेफली। थैंक यू भैया। एक बना है ज्योति, एक बना है पवन। ये ऐसे काम हो रहे हैं इनके, ज्योति और पवन बने हैं, ये मम्मी और पापा। देखिए गाइस, टाइम कुछ हो चुका है 6:40 शाम का और अंधेरा है बाहर। गेड़ा जी आप आ रहे हैं स्कूल से। स्कूल हो गया क्या हो गया पता नहीं इनका। कहा तुम डेट वेट में तो नहीं जा रहे हो किसी के साथ? लग नहीं रहा बेटा मेरे को। मैं तो यही कह रही थी कि वहीं रहो, कल सुबह टिफिन, कल तुम्हारी पीटीएम है ना, कल सुबह टिफिन वहीं उपाध्याय जी से बनवाना, भिजवा दे मांगना वहां से घर से। कितने बच्चे हैं गैला जी, कितने बच्चे हैं? अभी हो गए फिर कल भी लेट आओगे। 40 क्लासेस हमने कितना काम कर दिया ऊपर, पूरा मनी प्लांट काट दिया, कल ये बाहर के पेड़ जा रहे हैं दीदी के यहाँ, बेकार कर दिया यार दीवारें सारी ऊपर, मनी प्लांट ने जैसा कर दिया, सब जा रहे हैं ऊपर से। मैंने दोबारा ग्लॉय नीचे कर दिया, ग्लॉय तोड़ दिया। हाँ मैं स्कूल में बोलूंगी गाइस कि मेरे पापा रात को आते हैं। वो तो छोड़, 48 क्या ये मनी प्लांट निकाल दिया पूरा काट दिया। अरे यार ऊपर थोड़ा थोड़ा बचा है, अपने आप होता है। पापा गुस्सा कर रहे हैं, पापा तो ऊपर के निकाल दो बोल रहे हैं सारे पेड़। पापा बोल रहे बहुत गंदगी हो गई वाली इससे पेड़ों से बाहर, हो भी गया ना दीवार सारी टूट रही है हमारी, नीचे जगह टूटी है देखना अभी। अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो यार, छोड़ो बुरा तो लग रहा है मुझे भी। कैसे ये सारे पेड़ सारे नीचे यहाँ पे बना रखे हैं, ये नहीं बाकी छोटे छोटे बड़े वाले सब तो मेरे। एक टाइल्स बोल रही है ये इनका, चलो ले वो कपड़े भी उतारने लग गई अपने पापा के। हाय केयरिंग सिस्टर, आज तो इनका प्लान बना है रामलीला में जाने का। आज वो है बस माय गॉड मैं बच्चा, पापा के कपड़े भी चेंज कर रहा है। सुबह 7:00 से लगाऊंगे, शाम के 6:30 बजे हो गया। फैमिली में इतना ही बचा है। ओ माय गॉड, बेटा कभी मेरे भी खोल दिया करो ऐसे, बस हो गया रहने दे फट जाएगी। ये होता है डॉटर्स लव। गाइस अभी मैंने और मम्मी ने कर दिया है मम्मी का स्टोर रूम सेट, दिखाती हूँ मैं आपको। अब मम्मी को बढ़िया सी नींद आएगी क्योंकि मम्मी का फेवरेट रूम हो गया है सेट, क्योंकि ये मम्मी के गेहूं वाला रूम है जहाँ मम्मी गेहूं साफ करती हैं, गेहूं रखती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमने कैसे सेट किया है। सेट जो हमारे ये दरवाजे निकले हुए दरवाजे थे हमने यहाँ पे लगा दिए, बाकी ये दो बक्से हैं और ये है गेहूं के ड्रम, और ये कंबल जाएंगे सारे बेड में जब नीचे जो चारपाई यहाँ से उठा के नीचे रखी उसके अंदर। बाकी आप देख सकते हैं ऐसे थोड़ा सेट कर रखा है अभी फिलहाल, छोटा मोटा सा अभी नहीं हो रखा है। यहाँ पे की टाइल्स टूटी है, अभी लगानी है ऐसी टाइल्स यहाँ पे रखी हुई है, ये लग भी नहीं है यहाँ पे। बाकी थोड़ा बहुत सामान बाहर भी है, अंधेरा हो रहा है बाहर तो दिख नहीं रहा है। और ये स्कूल से आके देखिए यहाँ पे बातें करने लग गए फोन में। तो गाइज यहाँ पे बन रहा है प्लान रामलीला में जाने का, और आज कटने वाली है मे बी सुब्रनखा की नाक, पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। इन दोनों की चॉइस पे जा रहे हैं आज रामलीला देखने, इनको कब से हो रही है रामलीला में जाने की। हैं ये भी अभी आ रहे हैं, मैं भी थकी हूँ, सब हम लोग थके हुए हैं। हमने सोचा मम्मी भी आएंगे, पता नहीं मम्मी क्या करती हैं। तो आज कट रही है सुब्रनखा की नाक, मम्मी कह रही है अभी थोड़ी कटेगी सुब्रनखा की नाक, जब पूरी रामायण हो जाएगी लास्ट में जो 11-12 बजे कटेगी, वरना अगर बीच में कट गई तो सब पतेल जैसे उड़ जाते हैं। बल्ले मुझे लगा मम्मी ऐसा क्या बोल रही है लास्ट में कटेगी, मुझे लगा रामायण तो सुब्रनखा की जब नाक कटती है तभी तो रामायण की तभी तो युद्ध छिड़ता है करके, मैंने कहा ऐसा क्या कह रही, मुझे थोड़ी देर तक समझ नहीं आया। फिर कह रही अरे नहीं जब आज पूरी हो जाएगी रामायण लास्ट में कटेगी बल घर जाते टाइम नाक। तो गाइस देखते हैं, मैं कल के ब्लॉग में क्लिप सेट करूंगी, अगर मे बी अगर हम लोग गए, इन केस 50% चांस है रामलीला में जाने के,
अगर गए तो मैं कल के ही व्लॉग में रामलीला की क्लिप सेट करूंगी, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आज का व्लॉग आपने देख ही लिया है कि आज के व्लॉग में क्या क्या हुआ है। तो होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के संग शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और प्लीज़ गाइस, जब आप आपके व्यूज़ तो आते हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे आजकल, ऐसा नहीं है, मतलब 100 से पार हो रहे हैं तो, लेकिन गाइस कमेंट नहीं आते, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो आजकल गैरा जी लेट आ रहे हैं, कल से टाइम पे आएंगे क्योंकि कल इनके यहाँ पे है PTM। तो आज और कल इन्होंने रिजल्ट निकाले। तो और एक चीज़ और, कल का व्लॉग भी मैंने बनाया था इनके लेट आने का, और भी बहुत कुछ। कल दीदी पता नहीं मेरे उससे कहाँ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, गैलरी में वो है ही नहीं, वीडियो ना गैलरी में है ना ट्रेसबिन में है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि एक दिन पहले का बैकअप हो जा रहा था व्लॉग का, क्योंकि करवा चौथ की वजह से, बट वो पता नहीं गैलरी में है ही नहीं, वो कल की वीडियोज जो कल मैंने व्लॉगिंग करी थी वो है ही नहीं, बड़ा दुख हो रहा है। तो अब कर देती हूँ इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे यानी मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।